अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद सलवा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आरपीएफ फैसले बाद डॉक्टर मोहम्मद आबिल खान ने कहा कि थैलेसीमिया ने लाखों बच्चों को मौत के अंधेरों की तरफ धकेला है। खून के एहतियात से उनकी जिंदगी आसान हो सकती है। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ताहिर महमूद कुंभो। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक आरपीएफ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिल खान की जेर निगरानी पुलिस लाइन फैसलाबाद में अली सेफ फाउंडेशन के इश्तराक से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के आला अफसरान सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन, एसपी लालपुर टाउन इर्तजा कमेल के साथ साथ अहलकारों की कसीर तादाद ने खून के एहतियात दिए। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का कहना था कि थैलेसीमिया जैसे मौजी अमराज से लड़ने वाले बच्चों को फैसलाबाद पुलिस की जानिब से खून का एहतियात उनकी जिंदगी में एक नई किरण साबित होगा। थैलेसीमिया ने लाखों बच्चों को मौत के अंधेरों की तरफ धकेला है। खून के एहतियात से उनकी जिंदगी आसान हो सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने हर आफत, बीमारी और मुश्किल सूरत हाल में अवाम की मदद के लिए भरपूर हिस्सा लिया है। रीजन फैसलाबाद पुलिस अवाम नाज के जान माल को तहफ्फुज को यकीनी बनाने के साथ साथ अपनी समाजी जिम्मेदारी से भी हमेशा आगाह रही है। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत के इस जज्बों को आइंदा भी जारी रखा जाएगा। मजीद खबरों को देखते रहिए सोहना पाकिस्तानी न्यूज़ HT पर।